जानती हैं, भगवान के बच्चे ही यदि खुश नहीं होंगे तो भला संसार में और कौन खुश होगा, जिनको स्वयं भगवान पढ़ाने आ गए, जिनके लिए वो स्वर्ग की बादशाही लेकर आ गए, उन्हें कितना आनंदित होना चाहिए, खुशी में सदा रोमांच खड़े रहें। वाह, कौन मिल गया, सवेरे सवेरे रोज किससे मुलाकात होती है, कौन हमें ऊंच से ऊंच शिक्षा दे रहा है। स्वयं भगवान ने आकर सृष्टि के सारे गुह्य रहस्य खोल दिए, आत्मा और परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान दे दिया, मुक्ति और जीवन मुक्ति की मंजिल दिखा दी, माया को जीतने की विधि बता दी और राजयोग सिखा दिया, जिससे हम संपूर्णता की ओर चलने लगे। यही बातें हमारे शास्त्रों और दर्शनों में उलझी हुई हैं। चारों वेद कोई पढ़ ले, छह दर्शनों का अध्ययन कर ले, लेकिन फिर भी सत्य ज्ञान पूर्णतया समझ में नहीं आता। बाबा ने आकर कितना सरल शब्दों में हम सभी के बुद्धि के कपाट खोल दिए। सोचकर देखो, कुछ भी जानना शेष नहीं रहा, और जो जानना शेष है उसे हम अपनी डिवाइन और रिफाइन बुद्धि के माध्यम से जान लेंगे। मैं कौन हूँ ये जान लिया, और मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं कौन सा हीरो एक्टर हूँ, इस सृष्टि चक्र में मेरा पार्ट क्या है, ये हम जानते जाएंगे। भगवान क्या है, कहाँ रहता है, उसका सूक्ष्म स्वरूप क्या है, ये सब हमने जान लिया। योग अभ्यास करते करते सचमुच वो क्या है और ये जानते जाएंगे। वो हमारे लिए क्या क्या करता है, वो हमें कितना प्यार करता है, वो हमें कैसे कैसे मदद करता है, उसका सब कुछ हमारे लिए है, ये हम जानते जाएंगे। तो ज्ञान का भंडार बाबा हमें बना रहा है, हम इस खुशी और नशे में मस्त हो जाएं। कौन पढ़ाने आ गया। सुनते थे भगवान ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था, और सोचा करते थे काश हमें भी दिया होता। सम्मुख भगवान गीता ज्ञान देते हैं, सम्मुख उनसे ये महान ज्ञान सुनने का श्रेष्ठतम भाग्य हमें प्राप्त हुआ है। ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में आ गया है, बहुत बड़ा प्रकाश है ये। इस प्रकाश ने हमें सब राहें दिखा दी हैं। लोग अज्ञान अंधकार में भटक रहे हैं, उन्हें राह दिखाई देती ही नहीं। अपने भाग्य के जरा गुणगान करें, बाबा के गुणगान करें, हम भी गुणवान बनते जाएंगे। गुणवान गुणगान केवल भक्तों की तरह नहीं, इस गुड फीलिंग से तुमने हमें क्या दिया, कितना सुख दिया, सचमुच हमने जान लिया तुम सुखों के सागर हो, सुखों के दाता हो। हमारे दुख हर लिए, हमने जान लिया तुम दुख हरता हो। इस तरह उसकी महिमा का गुणगान करेंगे, भक्तों की तरह नहीं कि मंत्र गा दिए और स्वयं में कुछ भी नहीं आया। उसके एक एक गुण से हमें जो प्राप्तियां हुई हैं उनको हम याद करते चले तो जीवन गुणों से भरपूर होता चलेगा। भगवान के केवल गुण गाएं और स्वयं को गुणहीन रख दें, इससे वो प्रसन्न होने वाला नहीं है। तो आज हम सारा दिन बाबा के गुणगान सच्चे मन से करेंगे। तू प्यार का सागर है, इस फीलिंग से कि तुम्हारा हमने बहुत प्यार पा लिया,
तू ज्ञान का सागर है, इस महसूसता के साथ कि आपसे हमें संपूर्ण ज्ञान मिल गया, आप सर्वशक्तिवान हैं, इस अनुभूति के साथ कि आपने हमें अपनी संपूर्ण शक्तियां प्रदान कर दी हैं, आप वरदाता हैं, इस अनुभव के साथ कि आपने हमें हमारे सिर पर हाथ रखकर अनेक वरदान दे दिए हैं। ये गुणगान सच्चे मन से करेंगे और बाप दादा को अपने सामने खड़ा हुआ देखेंगे। ओम।